कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, धर्म का पालन करने वालों के साथ ही इतना अन्याय क्यों होता है। तब कृष्णा उन्हें समझाने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण कर एक गांव में ले गए। गांव में उन्होंने सबसे अमीर आदमी से आश्रय मांगा। वह आदमी अहंकारी था, लेकिन उसने उन्हें गौशाला में रहने की इजाजत दे दी। पर गौशाला की माली हालत ठीक न होने पर श्री कृष्ण ने उसकी मरम्मत करवा दी। अगले दिन वे गांव के सबसे गरीब आदमी के पास गए। वह आदमी दयालु और उदार था। उसने उन्हें अपनी झोपड़ी में रहने दिया और अच्छा भोजन दिया। उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन एक गाय थी, पर कृष्ण ने उसके प्राण ले लिए। ये देख अर्जुन ने पूछा, प्रभु अमीर की गौशाला बनवा दी और गरीब के पास एकमात्र गाय थी, उसके भी प्राण ले लिए। तब श्री कृष्ण ने समझाया, गौशाला के नीचे खजाना छिपा है, यदि वह ढह जाती तो अमीर को खजाना मिल जाता, और उस गरीब की किस्मत में अपने किसी करीबी को खोना लिखा था, इसीलिए मैंने उसके बेटे या पत्नी के बजाय गाय लेना उचित समझा। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि भगवान के तरीके रहस्यमय और मानवीय समझ से परे हैं, और उन्हें समझ आया कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं।